तो आज हम लोग क्लास 12 आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 लिखा है, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा इसमें एक्स प्लस वाई बराबर आव्यूह 7, 0, 2, 5। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है 3, 0, 0, 3, ठीक ना। तो इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए क्या है, ये समीकरण ही एक तरह से समझिए। तो इसमें क्या करेंगे, अगर समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना, जोड़ने पर तो इसमें देखिए एक्स ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा यक्स और यक्स, यक्स यक्स 2x बराबर, ये दोनों मतलब कि दोनों आव्यूह का योग है यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3, ठीक ना। तो दो आव्यूह का कैसे जुड़ता है, इनके संगत अवयव का योग हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये रहा पहली पंक्ति पहली कॉलम, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सात जो है इस वाले आव्यूह का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये जो पहला ये अवयव है इन दोनों का योग हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 और 3, 7, 3, 10 और 0 प्लस 0, 0, 2 प्लस 0, 2 और 3 प्लस 5 प्लस 3, 8, इस प्रकार ये 2x आया, ठीक ना। और अगर x का मान ज्ञात करेंगे तो ये एक यहाँ पक्षांतर जाएगा 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, 10, 0, 2, 8। तो 1/2 प्रत्येक अवयव में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे भाग हो जाएगा तो 2 × 5 = 10 बचेगा, ये 2 × 5 हो जाएगा, है ना। और इसका तो 0 ही रहेगा, ये इससे इसके संग होगा गुणा होगा तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ठीक ना। तो इस प्रकार ये x का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, पहले या दूसरे में, तो हमको वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ लिखते हैं, देखिए पहला वाला लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये लिखा है यक्स प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। तो इसमें हम ये यक्स का मान यहाँ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, 0, 1, 4 प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। अब इसको वाई को इसको इस आव्यूह को दाईं तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1, 4। तो जिस प्रकार हमने जोड़ा था दो आव्यूह को इसी प्रकार घटाएंगे, मतलब प्रत्येक संगत अवयव के अवयव ही घटेंगे। तो 7 में से 5 जाएगा, तो 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 गया 1, 5 में 4 गया 1। इस प्रकार हमको x और y का मान ज्ञात हो गया। इसको हम अंत में लिख देंगे, अतः x बराबर 5, 0, 1, 4 एवं y बराबर 2, 0, 1, 1। तो इस प्रकार हमको x और y का मान ज्ञात हो गया। तो प्रश्न नंबर 7 का पहला भाग हो गया। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग देखते हैं। तो दूसरा भाग देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है 2x प्लस 3y बराबर आव्यूह 2, 3, 4, 0 और दूसरा है 3x + 2y बराबर 2 − 2 − 1, 5, ठीक ना। एक बार मिला लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे हम समीकरण हल करते हैं वैसे समीकरण को हल करेंगे।
तो देखिए ये समीकरण एक मान लेते हैं और इसको दो। तो देखिए इसमें किसी भी x के गुणांक को या तो y के गुणांक को बराबर कर लेंगे हम, ठीक ना। तो अगर हम x के गुणांक को बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 है तो समीकरण एक में 3 का गुणा करेंगे, और समीकरण इसमें 2x है तो समीकरण दो में 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना। जिस प्रकार विलोपन और प्रतिस्थापन है ना, विलोपन विधि में जैसे गुणांकों को बराबर करके फिर समीकरण हल करते थे, इसमें भी यही काम करेंगे। तो अब देखिए इसमें अगर तीन में गुणा करेंगे तो तीन ना प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी गुणा होगा। तो इस प्रकार तीन गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, तो देखिए 3 × 6x प्लस 3 × 9y बराबर, अब इसमें भी तीन गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में है ना गुणा किया जाता है तीन का, ठीक ना। किसी भी अचर पद का अगर गुणा करेंगे अवयव में तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, तो 3 × 6 3 × 9 3 × 4 = 12 3 × 0 = 0 तो ये हो गया। इसी प्रकार अब इसमें प्रत्येक पद में दो से गुणा होगा, तो देखिए 3 × 6x प्लस 2 × 4y बराबर, देखिए 2 × 4 2 × 4 2 × 1 = 2 5 × 10 तो इस प्रकार देखिए हमने देखा तो x के गुणांक बराबर हो गए, तो हम इसको घटाने पर कर लिख देंगे तो ये x का मान कट जाएगा और y का मान बचेगा, तो घटाने पर, तो घटाने पर देखिए लिखने के बाद क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले समीकरण का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार 6x कट गया, 9 में 4 गया 5y, ठीक ना। अब ये माइनस की तरह हो जाएगा, 9 में से 4 गया, ठीक ना, ये प्लस अब नहीं रह गया, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, तो 9 में 4 गया 5y बराबर, इस अवयव में से इस अवयव के को घटाना है, तो हम यहाँ एक बार अवयव दोनों को घटाने के चिन्ह के संग लिख देते हैं, 6 9 12 0 -4 -4 -2 और ये 10। तो देखिए घटाने पर प्राप्त हो जाएगा हमको 6 - 4 मतलब ये 2 हो गया, ठीक ना, 6 में 4 गया 2, और देखिए ये माइनस और ये माइनस, 2 माइनस मिलके प्लस, तो 9 × 4 = 13 और ये देखिए 2 माइनस मिलके प्लस, तो 12 × 2 = 14 और 2 - 10 तो ये हो गया -10। जब इसको 5 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, भाग में हो जाता है, तो ये जाएगा 1/5, ये हो गया 2 = 13 = 14 - 10, ठीक ना। तो इसके आगे इसको देखते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं, तो देखिए y का मान y बराबर, देखिए प्रत्येक अवयव के संग इसका गुणा हो जाएगा, तो जाएगा ये हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 -10/5 तो इस प्रकार ये आंसर हुआ y का प्राप्त हो जाएगा 2/5 13/5 ये 14/5 और ये 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार -2 हो गया। तो ये y अवयव प्राप्त हो गई, अब हमको x अवयव ज्ञात करना है, तो हम इस y का मान समीकरण एक में रख देंगे तो हमको x अवयव का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो y का अवयव आया है, इसको हम y के स्थान पर रख देते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x प्लस 3 अवयव 2/5 13/5 14/5 और ये -2 बराबर 2 3 4 0 तो इसका गुणा कर देते हैं हम, 2x प्लस 6/5 और 13 × 3 = 39/5 13 × 4 = 52 तो 52/5 3 × 6 ठीक है, तो ये अवयव प्राप्त हो गया, 3 × 6/5
तेरह तिहाई 39 बटे 5, 52 लिख दिया है, 14 तिहाई 42, ठीक ना। और 3 दूनी 6 हो गया, बराबर 2 3 4 0। अब इसको, अब इस आव्यूह को हम दाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस 6। तो इसको अब हल कर लेते हैं, देखिए तो ये जाएगा 2 - 6/5। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 2 - 6/5, ठीक ना। पहले इसका हल करेंगे तो 5 × 2 = 10 है ना, 10 में से 6 गया 4/5, ठीक ना। 4/5 आ गया। फिर इसको हल करते हैं तो होगा 3 - 39/5, ठीक ना, 3 - 39/5 तो ये हो जाएगा 5 * 15 - 39/5। जब इसको घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, ये हो गया 24 माइनस में, ठीक ना। तो ये हो गया -24/5। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 42/5, ठीक ना, 4 - 42/5, 5 * 24 - 42/5। तो इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा, -22/5। तो यहाँ लिख देते हैं -22/5। अब ये जगह देखिए, 4 - 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा। अब ये 0 - आती है 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 2x, ठीक ना। ये हो जाएगा x बराबर 4/5 × 2, ठीक ना। इसको दो पक्षांतर करेंगे तो बटे में सब प्रत्येक अवयव के बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा -24/5 × 2, ये -22/5 × 2, 6/2। तो देखिए क्या प्राप्त हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 2/5 हो गया, 2 × 1 = ये 12 में कट गया तो -12/5, ये हो गया 11, तो हो गया -11/5, 3 तो हो गया 3। तो इस प्रकार देखिए x और y दोनों आव्यूह प्राप्त हो गए। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 7 के दोनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, देखिए इसमें x और y ज्ञात कीजिए, जबकि देखिए y दिया हुआ है, y बराबर 3 2 1 4 तथा देखिए इसमें लिखा है 2x + y = 1 - 3 - 2। तो देखिए y का मान दिया हुआ है, तो हम इस y का मान इस वाले में रख देते हैं, यहाँ पर y का मान, तो हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं 2x + y = 3 2 1 4 = 1 - 3 2। इसको हम इस आव्यूह को पक्षांतर करते हैं दाईं तरफ तो 2x = 1 - 3 2 -3 2 1 4। तो दो अवयव को माइनस करते हैं तो प्रत्येक अवयव या संगत अवयव ही माइनस होते हैं, तो एक में से 3 गया -2, दो में शून्य में से 2 गया तो -2, ये -1 हो जाएगा तो -3 और -1 ये हो जाएगा -4, दो में से 4 गया -2, तो ये हो गया 2x। और x 2 को पक्षांतर करेंगे तो जगह 1/2
माइनस दो माइनस दो माइनस चार माइनस दो, इसको अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा, देखिए इसके संग हो जाएगा, तो देखिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस दो बटे दो माइनस दो बटे दो माइनस चार बटे दो माइनस दो बटे दो। तो देखिए ये हो जाएगा दो एक कम दो, तो क्या अभी प्राप्त हुई माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस टू और ये माइनस वन। इस प्रकार यक्स का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर नौ करते हैं जिसमें लिखा है यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर नौ में है यक्स और वाई ज्ञात करना है, जिसके लिए लिखा है टू अवयव में वन थ्री जीरो एक्स प्लस वाई शून्य वन टू, ये लिखा है बराबर पाँच छ एक आठ, ठीक ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, देखिए अवयव के किसी अचर पद का गुणा करना है, ठीक ना, तो दो का गुणा करना है, तो अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा इसका, तो दो एक कम दो, दो तिहाई छ, दो गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, दो गुणा एक्स में करेंगे तो टू एक्स बराबर प्लस वाई शून्य एक दो बराबर पाँच छ एक आठ। अब देखिए दो अवयव को जोड़ना है तो इनके दोनों के संगत अवयव ही जुड़ेंगे, तो दो में वाई को जोड़ेंगे तो जाएगा टू प्लस वाई, छ प्लस जीरो मतलब छ, जीरो में एक जुड़ेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, इनको जोड़ दिए बराबर पाँच छ एक और आठ। देखिए अगर दो अवयव अगर बराबर हों तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, जैसे ये वाला प्रथम ये वाला इस अब इस अवयव के बराबर होगा, देखिए छः छः के बराबर दिख रहा है, ये वन वन के बराबर दिख रहा है और ये वाला इस वाले के बराबर होगा, तो हम लिखते हैं इसमें टू प्लस वाई बराबर पाँच और इसको इससे तुलना कर लेंगे टू एक्स प्लस टू बराबर आठ, तो जाएगा वाई का मान आ जाएगा पाँच में से दो गया तो वाई बराबर तीन प्राप्त हो गया, और इससे मान ज्ञात करेंगे तो टू एक्स बराबर आठ, इसको दो उधर पक्षांतर कर देंगे दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा छ और यक्स बराबर छ बटे दो, दो एक कम दो तिहाई छ, यक्स बराबर तीन, तो हमको यक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 में देखिए लिखा है प्रदत्त समीकरण को यक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए, ठीक ना, इसमें यक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए लिखते हैं इसको, लिखा है टू अवयव एक्स जेड वाई टी प्लस तीन एक माइनस एक शून्य दो बराबर तीन, ये हो जाएगा तीन पाँच चार छ, ठीक ना, तीन पाँच चार छ एक माइनस वन टू थ्री एक्स जेड वाई टी, ठीक ना, तो इसमें हम ज्ञात करते हैं, देखिए इसका गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, तो ये लिखेंगे टू एक्स प्लस टू जेड टू वाई प्लस टू टी, तो ये हो गया प्लस इस तीन का प्रत्येक अवयव में गुणा होगा तो हो जाएगा तीन एक कम तीन, तीन में से माइनस तीन, तीन जीरो या जीरो और तीन दूनी छ बराबर, इस तीन गुणा प्रत्येक अवयव कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको तीन त्रिकाई नौ, तीन पचे पंद्रह, चार तिहाई बारह, ये तीन छक अठारह, दो अवयव जुड़ेंगे तो प्रत्येक अवयव ही इसके जुड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे तो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, फिर जाएगा टू जेड माइनस तीन, ठीक ना, माइनस तीन, ये हो जाएगा टू वाई प्लस शून्य, तो मतलब टू वाई ही रहेगा तो जाएगा टू टी प्लस सिक्स, तो ये हो गया बराबर
नौ, 15, 12 और 18। अब देखिए दो अवयव अगर बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब ये प्रथम अवयव इस अवयव के प्रथम अवयव के बराबर होगा। तो लिखते हैं 2x प्लस 3 बराबर 9, ये हो जाएगा 2z माइनस 3 बराबर 15, ये हो जाएगा। तो और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पहले इससे हम x और z का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर, देखिए तीन पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3, 2x बराबर ये हो जाएगा 6 और x बराबर 6/2, 2 × 1 = 2 × 6। इस प्रकार x बराबर 3 प्राप्त हो गया और इससे हो जाएगा 2z बराबर 15 प्लस 3 है ना, माइनस 3 पक्षांतर होगा तो प्लस 3, 15 × 3 = 18, जेड बराबर 18/2, 2 × 1 = 2 × 18, तो जेड बराबर 9 आ गया, ठीक ना। और इसका तो इससे तुलना कर लेते हैं तो हो जाएगा 2y बराबर 12, तो इससे y का मान आ जाएगा 12/2, 2 × 12, तो ये जाएगा y बराबर 6। देखिए y का मान ज्ञात हो गया। अब इससे इसकी तुलना कर लेंगे तो हमको t का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2t प्लस 6 बराबर 18, तो ये हो गया 2t बराबर 18 माइनस 6, 2t बराबर ये हो गया 12, तो t बराबर 12/2, 2 × 12, तो t का मान आ गया 6। तो देखिए इस प्रकार ये आ गया x का मान, ये रहा y का मान, ये रहा z का मान और ये रहा t का मान। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 करेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें लिखा है x और y के मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 11 तो लिखा, यदि x आवयु 2-3 प्लस y माइनस 1 और 1 बराबर 10 और 5, ठीक ना। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं। देखिए x का गुणा होगा तो जाएगा 2x 3x प्लस माइनस y और y, ये हो जाएगा 10 और ये 5। दो अवयव जोड़ेंगे तो इनके संगत अवयव जोड़ेंगे। तो देखिए लिखेंगे 2x माइनस y 3x प्लस y बराबर 10 और 5। तो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो देखिए 2x माइनस y बराबर 10, ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया, और 3x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। देखिए अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर, ठीक ना, तो जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है, केवल घटाने पर ही बदलता है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 5 बराबर 10 × 5 = 15। तो इस प्रकार x का मान आ गया 15/5, 5 × 1 = 5 × 15, तो x का मान 3 प्राप्त हो गया। इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये लिखा है 2x माइनस y बराबर 10, तो y का मान, x का मान 3 है, तो लिखेंगे 2 × 3 माइनस y बराबर 10, 3 × 6 = 10, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 − 10, तो छोटे से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण में आएगा, तो इस प्रकार −4 आ गया। तो देखिए x और y का मान ज्ञात हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 हल हो गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें x, y, z तथा w के मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं 3x, y,
जेड डब्लू बराबर एक्स छ माइनस एक दो डब्लू प्लस चार यक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू तीन। ठीक ना, तो इसमें यक्स वाई जेड और डब्लू का याद मान ज्ञात करना है। देखिए तीन गुणा कर लेते हैं तो जगह थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री डब्लू बराबर, देखिए दोनों अवयव को जोड़ना है तो प्रत्येक अवयव को योग हो जाएगा। देखिए x के संग चार का प्लस हो जाएगा सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, इनको जोड़ लेंगे और इसको इसके संग हल हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्लू और इनको जोड़ लेंगे तो टू डब्लू प्लस थ्री ऐसे। ठीक ना, अब देखिए दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे तो इसको इसके संग तुलना कर लेंगे थ्री एक्स बराबर एक्स प्लस फोर। ठीक ना, तो इससे हो जाएगा देखिए एक्स को इधर पक्षांतर कर लेते हैं बाईं तरफ तो माइनस में हो गया, तीन में से एक एक्स गया तो टू एक्स बराबर फोर, एक्स बराबर चार बटे दो, एक्स बराबर ये दो आ गया। ठीक ना, और ये हो जाएगा इसका इसके संग तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे थ्री वाई बराबर छ प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस एक्स का मान हम वहाँ दो रख लेते हैं और इस वाई को भी इधर बाई तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर छ प्लस एक्स का मान दो आया है हमको यहाँ रख देंगे तो तीन में से एक वाई आएगा तो टू वाई आ जाएगा बराबर छ दो आठ, तो वाई का मान आ गया आठ बटे दो, दो चौके आठ, तो वाई का मान चार प्राप्त हो गया। देखिए अब इसका इसके संग तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको इसके संग तुलना कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा इससे ना डब्लू का मान ज्ञात हो जाएगा इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं थ्री डब्लू बराबर टू डब्लू प्लस थ्री। तो इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं बाईं तरफ तो थ्री डब्लू माइनस टू डब्लू बराबर तीन, तीन डब्लू में दो डब्लू गया तो एक डब्लू आया तो इसका मतलब डब्लू बराबर तीन प्राप्त हो गया। अब इसके संग इसका तुलना कर लेंगे और डब्लू का मान यहाँ से उठा के उसमें रख देंगे तो ये आ गया थ्री जेड बराबर माइनस एक प्लस जेड प्लस डब्लू। ठीक ना, तो ये रखा इस जेड को बाईं तरफ पक्षांतर भी कर लेंगे तो जगह थ्री जेड माइनस जेड बराबर माइनस एक प्लस डब्लू का मान तीन रख लेते हैं यहाँ पर तो तीन जेड में से एक जेड गया टू जेड बराबर तीन में से एक गया दो, तो जेड का मान देखिए कट करिए एक आएगा तो जेड बराबर एक आ गया। तो देखिए सबका मान ज्ञात हो गया, इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अब तो प्रश्न नंबर 13 में है, देखिए लिखा है एफ एक्स बराबर आप यू कॉस थी एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स शून्य 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 एक। ठीक ना, ये दिया हुआ है और हमको क्या सिद्ध करना है यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना है तो हमको एफ एक्स दिया हुआ है तो हम इसे एफ वाई निकाल लेते हैं। तो पहले एफ वाई देखते हैं, देखिए वाई ये रहा तो इसमें इस अवयव में जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ पर वाई कर लेते हैं। तो देखिए कॉस वाई ये हो जाएगा साइन वाई शून्य साइन वाई ये कॉस वाई शून्य और यहाँ पे शून्य है ये शून्य है और ये एक हो गया। ठीक ना, तो इस प्रकार हमको एफ वाई मिल गया। अब हमको एफ एक्स प्लस वाई भी निकालना है तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर
एक्स प्लस वाई। तो इसमें जहाँ भी x है वहाँ हम अब x प्लस वाई लिखेंगे। तो लिखते हैं cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई शून्य साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई शून्य 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 एक, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई आ गया। अब हम इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं देखिए बायां पक्ष, ठीक ना, इसको या तो एल एच एस भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक ना। मतलब हमको दोनों इस इन दोनों अवयव का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनको लिख लेते हैं cos x माइनस साइन x शून्य साइन x cos x शून्य 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 एक, ठीक ना। और फिर ये इसको यहाँ लिख लेते हैं cos y साइन y शून्य साइन वाई कॉस वाई शून्य 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 एक, ठीक ना। तो अब इनका गुणा करते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा कैसे होता है दो आवयव में। तो देखिए इसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ इन दोनों का गुणनफल होता है। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए करते हैं हम, तो कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ लिख लेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक ना। फिर इसका उड़ा इसमें कर लिया, अब इसका उड़ा इसमें करेंगे, फिर इसका उड़ा इसमें करेंगे। तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर इसका उड़ा करेंगे तो प्लस शून्य आ गया, ठीक ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया ऐसा गुणा करने पर। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ गुणा करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं cos x माइनस गुणे में है गुणे माइनस साइन y, ठीक ना। फिर इसका उड़ा इसमें करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन x cos y, फिर इसका उड़ा इसमें करेंगे तो प्लस शून्य हो जाएगा, ठीक ना। फिर इस प्रकार पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ के संग गुणा करेंगे, तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका उड़ा इसमें करेंगे तो ये भी हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसका उड़ा इसमें करेंगे तो ये भी ये शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर शून्य हो गया। फिर इस अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ गुणा करके लिखेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ गुणा करके लिख देंगे, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ गुणा करके लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं इसका उड़ा इसमें कर लेते हैं साइन एक्स कॉस वाई, फिर इसका उड़ा इसमें करेंगे कॉस एक्स साइन वाई, और इसका उड़ा इसमें करेंगे तो जीरो गुणे जीरो जीरो हो जाएगा। फिर इसका उड़ा इसमें करते हैं साइन एक्स गुणे ये माइनस साइन एक्स है वाई है, फिर कॉस एक्स गुणे कॉस वाई कॉस एक्स गुणे कॉस वाई, ठीक ना। इसका उड़ा इसमें किया, फिर इसका उड़ा इसमें किया, और इसका उड़ा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, प्लस इसका उड़ा इसमें करेंगे जीरो प्लस, और शून्य का गुणा वन में तो शून्य हो गया, ठीक ना। अब देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ जीरो आ गया, प्लस इसका उड़ा इसमें करेंगे जीरो आ गया, इसका उड़ा भी इसमें करेंगे तो ये जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उड़ा इसमें करेंगे तो यहाँ जीरो, प्लस इसका उड़ा इसमें जीरो, प्लस वन का गुणा जीरो में तो जीरो आ गया। इसी प्रकार जीरो गुणा जीरो में करेंगे तो यहाँ जीरो,
प्लस जीरो गुणे जीरो, एक एक कम एक, तो यहाँ पर ये एक बचेगा, ठीक ना। अब इसको हल कर लेते हैं और तो देखिए क्या आएगा, यहाँ बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई और ये है माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक। और यहाँ आएगा देखिए इनमें यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हम यहाँ माइनस ले लेते हैं माइनस कॉमा, तो यहाँ देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये जीरो 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 है तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक ना, जीरो है तो जीरो हट गया, ये हो जाएगा इसको पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, इनको पहले लिखा इनको बाद में लिख लिया, और इनको जीरो का जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो ही हो गया, ये जीरो और ये यहाँ पर वन हो गया, ठीक ना। अब देखिए इनमें ये क्या है, ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र है, तो स्थान पे लिख सकते हैं हम कॉस एक्स प्लस वाई, और ये है देखिए माइनस है साइन साइन एक्स प्लस वाई, और ये शून्य है, ठीक ना। और ये देखिए ये साइन एक्स साइन, ये इसका भी फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है, ये माइनस यहाँ रहेगा, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यह कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र है, और ये जीरो है तो जीरो लिख लिया, देखिए जीरो जीरो वन है, जीरो जीरो वन, देखिए ये इसके बराबर एफ एक्स के बराबर आ गया, है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, ये क्या आया था, क्या लेके चले थे हम लोग, एफ एक्स एफ वाई, देखिए ये लेके चले हमको ये प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 13 सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है पहला भाग आव्यू 5 माइनस 1 6 7 और दूसरी आव्यू है 2 1 3 4, ठीक ना, ये हमको सिद्ध बराबर नहीं होनी चाहिए, इन दो आव्यूहों के गुणनफल के बराबर 2 1 3 4 और 5 माइनस 1 6 और 7, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सरल है, इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, जो हमको आव्यूह प्राप्त होगी देखिएगा उसका अव्यूह बराबर या दोनों आव्यूह बराबर नहीं मिलेंगे हमको, तो यही हमको सिद्ध हो जाएगा। 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7, ठीक ना। तो हम लिखते हैं इसका बायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, तो हमने ये इसको लिख लेते हैं पहले 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4, ठीक ना, तीन का गुणा करते हैं, तीन का गुणा कैसे होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ के संग गुणा करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको दूसरी स्तंभ के संग गुणा करके यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखते हैं 5 गुणे 2 5 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 3, ठीक ना, ये हो गया, फिर 5 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे 4, 6 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 3, 6 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 4, तो करेंगे तो 5 दुनी 10 माइनस 3 एक कम 3,
छः दूनी बारह, सात एक इक्कीस, पाँच एकम पाँच, चार एकम चार, छः एकम छः, सात चौक अट्ठाईस। ठीक ना, तो ये हो गया दस में तीन गया सात, पाँच में चार गया एक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो तैंतीस, और इनको जो है तो आठ छः चौदह चौंतीस। ठीक ना, तो ये गुणनफल ये आ गया। अब हम यहाँ पर दायां पक्ष लिख लेते हैं, दायां पक्ष भी लिख लेते हैं। तो देखिए दायां पक्ष में है दो एक तीन चार पाँच माइनस एक छः और सात, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए दो दो गुणे पाँच प्लस एक गुणे छः, दो गुणे माइनस एक प्लस एक गुणे सात, इनका उड़ा इनके संग, फिर इनका उड़ा इनके संग, अब इनका उड़ा इनके संग, इनका उड़ा इनके संग। ठीक ना, तो तीन गुणे पाँच प्लस चार गुणे छः, तीन गुणे माइनस एक प्लस चार गुणे सात, तो ये आ जाएगा पाँच दुनी दस प्लस छः कम छः, पाँच त्याई पंद्रह, छः चौक चौबीस, दो एक कम दो, सात एक कम सात, तीन एक कम तीन, सात चौक अट्ठाईस। तो देखिए दस और छः सोलह, और पाँच चार नौ, दो और एक तीन उनतालीस, ये हो गया पाँच, और गया तो ये पच्चीस। ठीक ना, तो देखिए ये और ये देखिए बराबर नहीं आया, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। नहीं है तो लिख देंगे चूंकि देखिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। ठीक ना, तो या तो इसी को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे अतः पाँच माइनस एक छः सात, दो एक तीन चार बराबर नहीं है दो एक तीन चार, दो एक तीन चार पाँच माइनस एक छः सात के। ठीक ना, तो ये हमको सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर लिया कि ये बराबर नहीं है।